हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के हमारी एक और नई वीडियो में। सो गाइस, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन, क्लास 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमको एडिटिव इनवर्स लिखने हैं, जितने भी ये सारे पार्ट्स इसमें दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सब के हमको एडिटिव इनवर्स लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2/8। तो मैं आपको पहले बता दूं एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। एडिटिव इन्वर्स जैसे किसी भी चीज़ का, तो इसका एडिटिव इन्वर्स वो होता है जैसे किसी जो वैल्यू दी जाती है हमको, उसको हम कैसे लिखें कि वो आंसर ज़ीरो आए। जैसे मान लीजिए आपको 2/8 दिया गया है, तो इसमें हम ऐसा क्या करें जिससे आंसर ज़ीरो आ जाए। तो 2/8 को माइनस कर देंगे -2/8 से, तभी तो आंसर हमारा ज़ीरो आएगा। तो इसके लिए यही एक सिंपल मेथड है, आप इसको समझ लीजिए। कोई भी वैल्यू आप लिखते हैं उसको चेंज करके आंसर ज़ीरो आए, उसे ही हम एडिटिव इन्वर्स कहते हैं, मतलब उस वैल्यू का एडिटिव इन्वर्स होता है। तो जैसे 2/8 दिया गया हमको, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -2/8 हो जाएगा। आपको बस साइन चेंज करना है, आप डायरेक्टली लिख दीजिए वो आंसर सही होगा, बस आपको उसमें साइन चेंज करना है। तो 2/8 है तो -2/8 हो जाएगा, और ये अगर माइनस में है तो इसका प्लस हो जाएगा, यानी 5/9 हो जाएगा इसका, प्लस का 5/9। फिर आपको -6/5, इसको ध्यान से देखिएगा। आप लोग इसमें क्या करेंगे, आप सीधा प्लस में लिख देंगे, +6/-5, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस से माइनस कटा, आपका क्या बच्चा 6/5। अब इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, इसको कैसे चेंज करेंगे, 6/5 है तो इसको -6/5 उसी तरीके से आपने कर दिया, -6/5 उसका आंसर हो गया। तो अब आ गया 2/-9, तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी वैसे ही करना है, आप समझ तो गए हैं, प्लस का 9 हो जाएगा, वैसे ये होगा 19/-6, इसको भी आप 19 लिख दीजिए और माइनस का हो जाएगा प्लस। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन में आ गए हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है, वेरीफाई दैट माइनस, पहले आपने माइनस लिखाया है क्वेश्चन में, फिर उसमें माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स फोर। हमको ये वेरीफाई करना है कि जो ये लिखा गया है ये एक्स के इक्वल है कि नहीं, मतलब जो वैल्यू नीचे दी गई है आपको, मतलब ये एक्स है आपकी वैल्यू, और आपको इस तरीके से इस मेथड से आपको वेरीफाई करना है जिससे कि ये इक्वल हो जाए उसके। तो फिर चलिए फर्स्ट पार्ट इसमें दिया गया है एक्स इज इक्वल टू 11/15। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो आपको बस लिख लेना है सीधा 11/15, उतार लीजिए। फिर ये जो माइनस साइन दिया गया है, मतलब आपको यही क्वेश्चन ही करना है जिससे, और इसको पूरा सॉल्व करके फिर से हमें यही वैल्यू लानी है। तो लिख लीजिए माइनस, फिर ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ब्रैकेट है बंद है, फिर माइनस वार लिख लीजिए बस। अब आपको इसको सॉल्व कर देना और आंसर आपका वही होगा, और बस इतना सा आपको लिख देना और आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत सिंपल है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 11/15 आया, बस यही आपका आंसर है। लगा कुछ आपको टाइम, एकदम सिंपल मेथड था, कर दिया हमने इक्वल वेरीफाइड। इतना सिंपल था। इसी तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन करना है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको घुमाने की कोशिश की गई है, आप जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर गलत कर देंगे। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें पहले से ही माइनस दे रखा है, -13/17 पहले से ही इसमें माइनस दिया गया है, जिससे कि 3 माइनस हो जाएंगे और आप गलत कर देंगे, मतलब हो जाता है। तो चलिए करते हैं इसको भी, तो इसमें आपको कुछ नहीं, वही वैल्यू लिख लेनी है उसी क्वेश्चन की तरह, -13/17। फिर ये हम लोग लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट में, फिर इसके बाद ये माइनस लगाना है, ये माइनस लगा दिया हमने, फिर ये बिग ब्रैकेट कर देंगे, बंद कर दिया,
फिर माइनस है बाहर, फिर माइनस कर देंगे। तो ये आपके तीन तीन माइनस आ गए हैं, इसमें आप गलती कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या करना है। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 13/17। बिग ब्रैकेट है अभी, स्मॉल ही ब्रैकेट खुला है अभी आपका, और माइनस अभी भी बाहर है। तो अभी ये प्लस माइनस, ये प्लस में अंदर और ये माइनस में बाहर है, तो फिर से क्या हो जाएगा, 13/17। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस आ जाएगा। और ये आपकी वैल्यू बोई वाली आ चुकी है जो इधर दी गई थी, तो ये भी आपका हो गया वेरीफाइड, ये भी आपका हो गया वेरीफाइड। बस आपको इतना ही करना है और आपका आंसर सही होगा। तो चलिए भरते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमको ऐसा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको बता दूँ क्या होगा, जो ऐसी वैल्यू, जैसे कि आपको दिखाते हैं यहाँ पर लिख के, जैसे आपका ये माइनस 13 दिया गया है, तो इसको हम ऐसा क्या करें, आंसर जीरो आ जाए, आंसर आपको जीरो लाना है। तो माइनस 13 को हम किससे ऐसा कर देंगे, तो प्लस 13 ऐसा आंसर होगा ना, प्लस 13 इसका आंसर होगा। तो अगर हम प्लस 13 से माइनस 13 को कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बस यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में होता है, जैसे कि माइनस 13/11 नीचे होता ही है, आप चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं, वन ही माना जाएगा। आपको बस उसका रेसिप्रोकल लिखना है, इसके सामने मल्टीप्लाई में 1 ऊपर लिख दीजिए, 13 नीचे लिख दीजिए, मगर प्लस का 13 लिखिएगा। बस 13 से 13 कटा, आंसर क्या आ गया हमारा, जीरो। बस यही आपको सारे क्वेश्चंस में करना है। तो चलिए इसको करते हैं, माइनस 13 दिया गया है इसमें, तो वही होगा, अभी मैंने नीचे दिखाया ही था, बस वो भी करके दिखा देता हूँ। माइनस 13/1 है नीचे, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे प्लस का 13 है, 13 से कटा 13, क्या बचा आपके पास, आपके पास होता है 0। मगर आपका ये माइनस है, सॉरी एक गलती हो गई है, आपको माइनस ही का रखना पड़ेगा, प्लस का नहीं रखना पड़ेगा, वो तो एडिटिव इन्वर्स में होता है। आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में माइनस ही का साइन रखना पड़ेगा, मतलब जो आपको वैल्यू दी गई है उसको बस आपको रेसिप्रोकल करना है, और सिंपल सी बात है, बस आपको रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए उसी वैल्यू को, आपका आंसर सही आ जाएगा, बस जीरो आ रहा है। यही हमारा, इसका मतलब माइनस 13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/-13, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। शॉर्ट में लिख देता हूँ, इक्वल टू 1/-13, यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। सेकंड क्वेश्चन में पढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन में भी यही दिया गया है, -13/19। तो ये भी बहुत सिंपल है, इसमें तो दो डिजिट दी गई है, आपको कुछ नहीं करना है, 19 ऊपर रख देना है, -13 नीचे रख देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, 13 से कटा 13, 19 से कटा 19, आया आपका आंसर 0, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपका क्या हुआ, 19/-13, यही आपका इसका ऐसी वो था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसमें 1/5 दिया गया है, इसमें भी आपको वही कर देना है, 1/5 है, 1/5 मल्टीप्लाई 5/1, 5 से कटा 5, 1 से तो 1 पहले से ही है, आपका आंसर क्या आया, 0 आ गया, मतलब 1 आ गया। इन सभी में आपका आंसर 1 ही आया है, इसके लिए सॉरी, कभी कभी हो जाता है, चलिए 1 आएगा आपका आंसर सभी में, तो 1 आना चाहिए, इधर भी मैंने नीचे आपको गलत बता दिया, 1 आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। तो -5/8 मल्टीप्लाई -3/7, इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको आपको क्या करना है, आप वही वैल्यू फिर से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, -3/7, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर वही आपका आंसर आ जाएगा, और फिर वही आपको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना है, और वही आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 3 = 15, माइनस माइनस प्लस रहेगा, 8 7 = 56 होता है, 56 लिख देंगे, तो इसका ये आ गया, एक ही वैल्यू हो गई सभी की तरह, तो अब आपको ये लिख देंगे 15/56,
तो इसका रेसिप्रोकल लिखना है, मल्टीप्लाई करिए, 56 लिख दीजिए ऊपर और 15 लिख दीजिए नीचे, 15 से कटा 15 और 56 से कटा 56। आगे आपका आंसर वन यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका कहते हैं इसमें इज इक्वल टू 56 अपॉन 15, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका। अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, -1 मल्टीप्लाई -2 अपॉन 5, तो इसमें भी आपको उसी तरीके से सब करना है, फिर से मल्टीप्लाई कीजिए फिर कर दीजिए। तो माइनस माइनस होता है प्लस, यानी प्लस का 2 × 2 कुछ नहीं होता है तो 1 ही होता है, 5 × 5 आ गया आपका 2/5। अब इसी को आपको रेसिप्रोकल करके लिख देना है, 5 ऊपर 2 नीचे, 2 से कटा 2, 5 × 5 ये आ गया, यानी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इसका क्या होगा, 5/2 आंसर आया 1। तो -1 सिक्स क्वेश्चन है हमारा, -1। तो एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, -1 की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, -1 की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही आएगा, ऐसे चलिए लिख लीजिए, -1 है नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है, मल्टीप्लाई करा हमने, क्या आया हमारा 1 ऊपर लिख देंगे, -1 नीचे लिख देंगे, घट गया घट गया 1 का 1, आंसर हमेशा 1 आ गया हमारा। बस इतना ही था सिंपल, तो उसका आंसर 1 आ चुका है। तो यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या था, 1/-1, इसको आप चाहें तो -1 भी लिख सकते हैं, खाली दिक्कत नहीं है उसमें, 1 हटा दीजिए खाली, -1 लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें आराम से। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम अगले पार्ट्स में करेंगे, अगले वीडियो में हम अपने अगले क्वेश्चंस के साथ आपको मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और बाकी के पार्ट्स हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।